एमटीवी ने अपने वीडियो वैनगार्ड अवार्ड से दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन का नाम हटा दिया है। माइकल का नाम यौन उत्पीड़न विवाद में फंसा हुआ है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। गौरतलब है कि पहले माइकल का नाम प्रीफिक्स के तौर पर प्रयोग किया जाता था, आधिकारिक रूप से नहीं की घोषणा। हॉलीवुड मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार माइकल का नाम हटाए जाने की नेटवर्क द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। यह बात अब सामने आई जब रैपर मिसी इलियट को साल 2019 के वैनगार्ड विनर घोषित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पुरस्कार पर जैक्सन का नाम नहीं था। यौन शोषण विवाद के कारण लिया फैसला एमटीवी का यह कदम एचबीओ की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर आया है, जिसमें जैक्सन पर उनके ही आश्रित रहे वे रॉबसन और जेम्स सेफचक ने यौन दुर्व्यवहार के का आरोप लगाया था। वे दोनों आरोप लगा रहे हैं कि जैक्सन ने उनसे छेड़छाड़ की थी। 1988 में विनर थे माइकल, पहली बार वैनगार्ड अवार्ड 1984 में दिया गया था। माइकल जैक्सन ने 1988 में वैनगार्ड अवार्ड जीता था। बाद में पॉप किंग को सम्मानित करने के लिए एमटीवी ने 1991 में अवार्ड का नाम बदला और माइकल का नाम जोड़ दिया था। 2019 में यह अवार्ड पाने वाली मिसी पहली फीमेल रैपर बन गई हैं।